आउज़ बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त, जिम्मेदार भाइयों से किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना ज़रिए मार अतीकुर रहमान। हम मुल्तान के इलाका गुलजार आबाद में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पे फसल चावल की फसल लगी हुई है और चावल की जो फसल है उसकी एरीफाइन वराइटी काश्त हुई है, तो इसके बारे में जानते हैं कि ये हमारे साथ मोहम्मद शरीफ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शरीफ साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शरीफ साहब ये बताएं कि जो एरीफाइन आपने ये फसल लगाई हुई है जी, तो पिछले साल आपकी कितनी पैदावार आई थी? इसका पिछले साल 55 तकरीब 58 इतनी आई। अच्छा, तो इस साल आपसे आप मुझे पहले बता रहे थे कि चावल की फसल आपने 10 एकड़ कटवाई भी है, तो उसकी पैदावार इस साल 65 मन। अच्छा, 60 से 65 मन पैदावार जी, जी। तो यानी आप क्या समझते हैं कि इस साल पैदावार क्यों बेहतर आई है? पैदावार इसको थोड़े मौसम भी ठंडा थी जी, जी मौसम भी ठंडा थी, उसके बाद वाल एकड़ भी माशाल्लाह भाई जमीन भी चंगी आई, फसल सही हुई। जी जी बिल्कुल सही बात की है शरीफ साहब ने कि जो चावल की फसल इस साल इसलिए बेहतर है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो बारिशों की वजह से इसको पानी मिल गया, तो पानी ज़्यादा मिकदार में मिला है, मौसम ठंडा रहा जी, जी, चावल की फसल बहुत बेहतरीन पैदावार दी है। जो एरीफाइन की जो वैरायटी है ये बहुत अच्छी पैदावार देती है और ये कम दुरानिया की फसल है, तो इसलिए इस जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि इस चावल की वैरायटी को अगर लगाएं तो आप 2 फसलें लगा सकते हैं। तो ये शरीफ साहब ने भी पहले आयरी सिक्स पहले लगाई थी और उसके बाद दोबारा काट के इसके ऊपर एरीफाइन लगा दी है, यानी कि 2 फसलें एक सीज़न में आप 2 फसलें लगा सकते हैं। ये वाहन फसल है चावल की जिसके ऊपर 2 फसलें लगाई जा सकती है। एरीफाइन पहले लगाएं फिर उसके बाद एडवांस के अनाज उसको काट के लगा सकते हैं। तो ये माशाल्लाह जैसे शरीफ साहब बता रहे थे कि इस साल चावल की जो एरीफाइन की पैदावार है वो बेहतरीन किस्म की आई है, यानी कि इनके बकौल ये 60 से 65 मान के करीब बता रहे हैं चावल की पैदावार। तो इस साल माशाल्लाह एरीफाइन का बहुत अच्छा रेट भी है। तो इस वक्त रेट आपको पता है क्या है शरीफ साहब? आपने पहले जो 1.5 किलो कटाए वो 1870 रुपया लिखा। अच्छा, 1870 रुपये रेट था, तो ये तो पिछले साल का रेट था, इस साल तो रेट इससे भी ज़्यादा है, 2200-2300 से ऊपर चला गया रेट। हाँ, हूँ जैसे कटाए उनके बाद रेट चढ़ गया। अच्छा अच्छा, आपके कटाने से बाद में रेट ऊपर चला गया, तो ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छी पैदावार रही है जी। तो नेक्स्ट टाइम आपका क्या इरादा है, इस फसल को दोबारा लगाएंगे? हाँ लगाएंगे, फिर इसको बाद आलू आएगा जी। जी माशाल्लाह, ये देखें ज़िम्मेदार भाई ने एक और नई इन्फॉर्मेशन भी दी है, मालूमात है कि इसके कटाई के बाद आप आलू भी काश्त कर सकते हैं, यानी कि एक साल में आप 3 फसलें इजीली काश्त कर सकते हैं। ये ऐसी फसल है कि चावल की 2 फसलें लगा सकते हैं और इसके बाद आलू भी लगा सकते हैं जी, जी। और आलू के बाद आगे बेशक आप मकई दोबारा काश्त कर लें, तब भी मकई भी काश्त कर सकते हैं। तो यानी कि अगर एरीफाइन की वैरायटी लगाते हैं तो आपको ये फ़ायदा है कि आप साल में 3 फसलें लगा सकते हैं। थैंक यू सर।